सर्च करें 10TV चैनल पर क्लिक करें, रेड बटन पर क्लिक करके फ्री सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तंजील अहमद, आप देख रहे हैं 10TV। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा दोस्तों, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंटरनेशनल लेवल पर स्कोप कैसा है इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है और इसका पाकिस्तान लेवल पर किस तरह का स्कोप है, लेकिन आज की जो वीडियो होगी इसका मैं बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंटरनेशनल लेवल पर स्कोप कैसा है, और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि और पाकिस्तानियों के लिए किस कदर ये सहूलियत मैसर है कि किस कदर इजीली जॉब मिल जाती है पाकिस्तानियों को दुबई में। तो इसके अलावा इसकी सैलरी के बारे में भी डिस्कस डिटेल से हम करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो आइए दोस्तों आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुबई में जॉब के बारे में। दोस्तों जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब होती है दुबई में वो इतनी आसानी से भी नहीं मिलती दोस्तों। उसके लिए क्या करना होता है, क्योंकि उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस जो होता है जॉब के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगते हैं। जैसे कि बड़े बड़े डिवेलपर्स हैं सॉफ्टवेयर के, आप जानते ही होंगे, जैसे कि PHP, जावा, इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डिवेलपर्स हैं। इनमें जॉब के लिए जो अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया होता है उनमें मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है जॉब एक्सपीरियंस का 5 ईयर का होता है। इसके अलावा 10 ईयर का भी बाद औकात मांग लेते हैं। तो इसके अलावा इसकी जो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आप जिस कंट्रीज में रह रहे हैं, जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में आपको क्या होगा कि HEC से वेरीफाइड डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और इसके अलावा मैट्रिक में जो सनद होंगी वो भी वेरीफाइड होनी चाहिए आपके बोर्ड ऑफिस से। तो दोस्तों अगर आपकी ये HEC से मतलब यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज नहीं है और आपकी डिग्री भी जो HEC वेरीफाइड नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर हम किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो आपकी डिग्री जो होती है HEC से वेरीफाई करवानी होती है। पाकिस्तान में तो चल जाता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर कि अगर आपकी डिग्री HEC से वेरीफाइड नहीं होगी तो आपको जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, बाज़ुकात हो जाता है। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पर या गवर्नमेंट के किसी इदारे में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको HEC से वेरीफाइड डिग्री चाहिए होती है। तो इसके इसी तरह ही इंटरनेशनल लेवल पर होता है। तो दोस्तों इसकी सैलरी जो होती है, इसकी जो मिनिमम सैलरी होती है वो पर मंथ 3 लाख रुपया होती है पाकिस्तानी। तो ये दुबई के करेंसी के को मैंने टोटल करके बनाया था, ये बन रही थी पाकिस्तानी मिनिमम 3 लाख रुपया। इसी तरह ही अगर आपकी डिग्री वेरीफाइड होगी, आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस 5 ईयर का होगा तो आप आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं दुबई में। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ में मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज की जो वीडियो है वो खास तौर पर दुबई के मतलब है। तो दुबई में भी बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर हैं सॉफ्टवेयर के, बहुत मशहूर डेवलपर, जैसा कि आप जानते हैं जावा, PHP, इसके अलावा और भी मशहूर डेवलपर सॉफ्टवेयर के आप जानते होंगे, उनमें पाकिस्तानियों को इजीली जॉब मिल जाती है अगर उनके क्राइटेरिया पर पूरा उतरे होंगे। जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं उनमें अगर आप क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो उसके अलावा आपको और भी बहुत सारी वेरिफिकेशन चाहिए होती है, मतलब वो बहुत तस्दीक करते हैं कि आपके बारे में, वो टेररिस्ट के बारे में इस तरह का सारी वेरिफिकेशन हासिल करने के बाद आपको वीज़ा देते हैं। तो लेकिन इस तरह का प्रोसीजर दुबई में नहीं होता, ये पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को इजीली वहाँ पर जॉब मिल जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करूँगा कि आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर वीडियो में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है या मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं या वीडियो के मतलब आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियोस आपने नहीं देखी, इन वीडियो को लाजमी देख लें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।